सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स है। जो भी ओबी 23 का जो अपडेट आने वाला है उसमें गाइस कौन सा बंडल आएगा, नेक्स्ट इनक्यूबेटर 2 क्या आएंगे, और गाइस बरमूडा मैप में जो चेंजेस आए, थर्ड एनिवर्सरी का जो इवेंट आने वाला है उसमें गाइस आपको क्या देखने को मिलेगा कैन। उसी के साथ साथ गाइस एक जो है नया कैरेक्टर यहाँ पर जो दिखा रहा है ऋतिक रोशन, ये गाइस क्या सही है या फिर गलत है, गाइस रियल या फिर फेक, इसके बारे में गाइस पूरा बात करूंगा। एंड गाइस पूरा गाइस क्या बंडल्स आएगा, ठीक है, इस जो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर क्या क्या बंडल्स आपको देखने को मिलेगा, डायमंड रॉयल कह लो, गोल्ड रॉयल कह लो, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप कर लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो गाइस और गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बंडल्स आएंगे, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेता हूँ। और गाइस सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू गाइस बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए, और गाइस प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो। और गाइस यूट्यूब जो कि है यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है ज़्यादातर लोगों को और इंप्रेशन नहीं जा रहा है, आप लोग प्लीज़ यार शेयर कर देना गाइस भाई की थोड़ा सा मदद कर दो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बरमूडा मैप, जो बरमूडा 2.0 है, जो चेंजेस आएगा बरमूडा मैप में होगा क्या होगा, उसी के बाद गाइस मैं आपको सब सारे बंडल्स दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये वाला जो मैप है वो गाइस बरमूडा 2.0, ठीक है। बरमूडा में जो चेंज आए हैं गाइस आप भी देख सकते हो, आप लोग मैंने जो रेड कलर का जो मार्क दे दिया है, और गाइस इसमें देख सकते हो जो फिशरमैन क्रीक एंड गाइस एकेडमी और गाइस हाइड्रो पावर और गाइस क्या यागामी गार्डन, ठीक है। और गाइस इधर से जो रिमराम विलेज है उसको हटा दिया गया है, उधर गाइस जो फिशरमैन आया है अभी देखते हैं गाइस, और जब रियल में गेम पर आएगा वो गाइस क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइस ओबी 20 पर ऐसा होने वाला है, ओबी 20 के बाद ये मैप चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब नया वाला मैप आपको देखने को मिलेगा बरमूडा में। एंड गाइस अभी बात करते हैं जो थर्ड ईयर एनिवर्सरी आ रहा है गाइस, और एक जो उसका बंडल निकल कर आ रहा है, तो गाइस इधर देख सकते हो आप लोग ये वाला बंडल जो कि काफ़ी हार्ड बंडल है गाइस, बहुत ही तगड़ा बंडल है ये वाला, तो बोल रहे हैं थर्ड ईयर एनिवर्सरी में गाइस दिया जाएगा। अभी देखते हैं गाइस क्या होता है, अगर थर्ड ईयर एनिवर्सरी में ये वाला बंडल आपको फ्री में मिलेगा या फिर आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा उसका कन्फर्मेशन नहीं है। अगर यह वाला बंडल आपको इवेंट पर दिया जाता है तो गाइस काफ़ी हार्ड बंडल होगा, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है जरूर से कॉमेंट पर बताओ, और गाइस ये वाला बंडल आपको कितना रेट करोगे वो भी बताना, मेरे को तो बहुत टॉप का बंडल लगा है, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं जो गन स्किन आने वाला है उसके बाद, ठीक है। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो जो गन स्किन गाइस इसमें आपको XKS M60 गाइस यहां पर आप लोगों को बहुत सारे BSS और उसके बाद ड्रैगन ऐप XM8 एंड गाइस जो कि है आपका M1887 भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी हार्ड है। एंड गाइस और एक बात नोटिस करना, इधर XM8 VSS SKS और गाइस M1887 सब एक तरह दिख रहे हैं, तो गाइस मतलब ये कोई सी थीम होने वाला है, ठीक है, थीम गन स्किन होने वाला है, लेजेंडरी शायद ना हो, ये गाइस थीम होने वाला है। तो वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर इसका मैगजीन या फिर रेट ऑफ फायर ज़्यादा होगा तो गाइस थीम भी बहुत ही तगड़ा काम करेगा M1887 पर, ठीक है। मैं सही बोला या गलत बोला कुछ गाइस, क्या बोला गाइस मेरे का समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड गाइस चलते हैं हम लोग दूसरा जो स्किन है, एंड गाइस दूसरा स्किन आप लोग देख सकते हो इधर आपको मिलेगा M60 AK-47 UMP, ठीक है। एयर गाइस एक ग्रेनेड है और उसके बाद M10-14 का है जो काफ़ी हार्ड दिख रहा है गाइस गन स्किन। एंड उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा एक नाइफ चक्कू, ठीक है, चक्कू आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी हार्ड दिख रहा है। और गाइस ये तो हो गया गन स्किन के बाद, ठीक है, और भी गाइस गन स्किन है, अभी तक उसका लीक निकला नहीं है, ठीक है, और जब लेजेंडरी का निकले मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं जो अपकमिंग बंडल्स है, ठीक है, यहाँ पर गाइस काफी तगड़े तगड़े बंडल्स है, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ इनक्यूबेटर का क्या आने वाला है। और गाइस अभी जो मैं आपको बंडल दिखाने वाला हूँ ये सब गोल्ड रॉयल, डायमंड रॉयल या फिर इवेंट पर आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये वाला बंडल, तो गाइस ये वाला बंडल पर आप लोग जो कि मैंने दिखाया थर्ड ईयर एनिवर्सरी का होगा, ये मेल एंड फीमेल का है, काफ़ी दोनों ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस क्या देता है, फ्री में देता तो गाइस बहुत ही अच्छा होगा, अभी देखते हैं गाइस गरीना क्या करता है, ठीक है, जब थर्ड ईयर एनिवर्सरी आएगा तभी पता चलेगा, जो कि अगस्त का एक इवेंट होने वाला है, बड़ा सा इवेंट, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद गाइस आप लोग को जो सेकंड बंडल है गाइस ये वाला बंडल देख सकते हो, गाइस ये वाला बंडल भी काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है, बट इतना भी खास नहीं लगा मेरे को। एंड उसके बाद गाइस जो बंडल आएगा वो गाइस देख सकते हो आप लोग ये वाला, ठीक है। तो वैसे गाइस क्या गाइस चिड़ियाखाना लगा के रखा है गाइस, ये वाला क्या है, बंदर आ गया गाइस यहाँ पर। और गाइस जो फीमेल का देख सकते हो ये गाइस क्या है, सूर्पनखा लग रहा है गाइस, राक्षस लग रहा है, इसका नाक है, हाँ इसका नोज तो है बट ये सूर्प लगा ही लग रहा है गाइस। आप लोग देखो गाइस क्या गाइस गरीना क्या मजाक कर रहा है ये, और इसमें से कोई एक बंडल गाइस आपको मिस्ट्री शॉप पर भी देखने को मिलेगा, मतलब
अगस्त को मिस्टी शॉप आने का चांस है, ठीक है गाइस। और इस मिस्टी शॉप के ऊपर मैं पूरा तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ डेडिकेटेड। क्या जुलाई पर आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो गाइस आप लोग वेट करना, एक से दो दिन के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद जो आप बंडल देख पाओगे वो गाइस है ये वाला बंडल, ठीक है। ये वाला बंडल गाइस काफ़ी हार्ड लग रहा है मेरे को, और गाइस इसका जो कलर है एंड गाइस उसका मार्क्स भी कह लो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है मार्क्स, एंड हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हैट के अंदर, ठीक है। जो सफ़ेद बाल वो गाइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वाला बंडल जरूर से कमेंट करना। एंड गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो अपकमिंग बंडल से उसके तरफ, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपको कुछ बंडल दिख रहे हैं, और गाइस सबसे पहला जो बंडल है गाइस ये वाला आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड रॉयल के अंदर शायद से, ठीक है। ये गाइस दोनों तो गोल्ड रॉयल पर नहीं देखने को मिलेगा गाइस, मतलब ये इंडियन सर्वर हो सकता है मेल का दे या फिर फीमेल का दे, बाहर के सर्वर कुछ अलग सा दे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है गाइस एक मेल या फीमेल आपको नेक्स्ट जो गोल्ड रॉयल है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बार का नहीं शायद से दूसरी बार का क्या होगा गाइस पता नहीं, ठीक है देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड उसके साथ साथ गाइस आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो बंडल है दोनों ही गाइस मेल का है, अभी देखते हैं गाइस ये वाला गाइस शायद गरीना कुछ जैसे होता है ना बड़ा बड़ा इवेंट जहाँ पर बहुत सारे डायमंड खर्च करना पड़ता है, ठीक है, वैसा कुछ इवेंट्स पर देगा। एंड उसके बाद गाइस देख सकते हो तो आप लोग इलाइट आया तो, जैसे गाइस इलाइट के लिए आया था उसका आपको देखने को मिल जाएगा इलाइट आया तो, इसमें गाइस कुछ नहीं है, हयातो का हेयर स्टाइल थोड़ा बड़ा कर दिया है, छपरी लुक दे दिया है टिकटॉक वाला, ठीक है। टिकटॉक बंद हो गया, अभी फ्री फायर वाला टिकटॉक कर रहे हैं, देखते हैं गाइस ये वाला बंडल क्या करेंगे गाइस। जिसके पास आलोक है वो इसको देखेगा भी नहीं, और जिनके पास नहीं है वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो गाइस अभी जब हम लोग चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनक्यूबेटर का, ठीक है। और गाइस मैं आपको आप लोगों को पता होगा हर ओबी अपडेट के अंदर दो इनक्यूबेटर आता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दो इनक्यूबेटर बंडल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो दोनों इनक्यूबेटर आएंगे वो दिखाऊंगा, उसके बाद जो गाइस बात करेंगे जो नया कैरेक्टर ऋतिक रोशन है सच में या फिर फेक है, ठीक है गाइस। इसके लिए जरूर से देखना वीडियो को लास्ट तक। एंड गाइस इनक्यूबेटर का सबसे पहले आप लोग बात करोगे तो गाइस इधर देख पाओगे ये वाला इनक्यूबेटर, ठीक है। और गाइस यहाँ पर ये वाला इनक्यूबेटर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि गाइस इसका जो हेयर स्टाइल कह लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो सबसे लास्ट वाला है ना गाइस व्हाइट कलर का, वो गाइस सबसे कम दाम में शायद से आएगा, मतलब 3 स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट के साथ। एंड गाइस ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। एंड गाइस ये वाला जो है ना सबसे कम दाम में जो 3 स्टोन है उसका जो हेयर स्टाइल गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो व्हाइट कलर का है, जो जोम्बी का जो हेयर स्टाइल था ना बहुत ही तगड़ा लगता है, सबको पता है। एंड गाइस ये इधर का भी होने वाला है काफ़ी अच्छा। और गाइस बात बार आप लोग तो देख सकते हो जो मिडिल का होगा उसका गाइस गोल्डन कलर का हेयर होगा, एंड उसका जो थर्ड होगा उसका रेड कलर का। थर्ड वाला तो गाइस ज़्यादातर लोग लेते नहीं, ज़्यादातर बड़े बड़े जो पैसा खर्च करते हैं वही लगते हैं। और ज़्यादा टॉप पर जो चलता है वो होता है 3 स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट के साथ, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एंड गाइस अभी हम लोग चलते हैं उसके बाद जो हमारा आएगा इनक्यूबेटर सेकेंड इनक्यूबेटर वो गाइस ये वाला है, ठीक है। और गाइस ये वाला इनक्यूबेटर मेरे को पसंद नहीं आया गाइस, क्योंकि इसमें गाइस देख सकते हो तो इसका ब्लू प्रिंट कुछ ऐसा दिख रहा है, ब्लू प्रिंट तो काफ़ी तगड़ा है, बट गाइस इन लोगों का हेयर स्टाइल देखो, ठीक है, हेयर स्टाइल है ही नहीं, ठीक है। आपको हेयर स्टाइल के अंदर थोड़े से बाल आएंगे, उसके बाद जो टोपी वोपी पहना होगा, एंड उसका जो बॉडी का डिज़ाइन भी कुछ खास अच्छा नहीं है, पैंट भी खास इसका अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को ये वाला नहीं पसंद आया, पहले वाला जो इनक्यूबेटर था मेरे को वो वाला सबसे अच्छा लगा था, बट सेकेंड इनक्यूबेटर गाइस मेरे को इतना भी खास नहीं लगा, ठीक है। आप लोगों का क्या लगा कैसा लगा जरूर से कॉमेंट पर बताना, आप लोगों कमेंट गाइस बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था इस वीडियो का, वो था गाइस नया कैरेक्टर, ठीक है। और गाइस इस कैरेक्टर जो ऋतिक रोशन है गाइस उसका सबसे पहले आप लोग पिक्चर देख सकते हो तो ये वाला, ठीक है। और गाइस ये वाला न्यूज़ मिला है, लीक मिला है FF डेटा माइनर से, जो आप लोग जानते हो सबसे बेस्ट न्यूज़ और लीक देता है गरीना में, ठीक है। क्या आने वाला है, क्या अपकमिंग मंडल है, सबसे तगड़ा न्यूज़ आपको मिल जाता है FF डेटा माइनर से। तो गाइस इधर से ये वाला लीक आया है, तो गाइस शायद से गाइस सच हो सकता है। एंड ऊपर लिखा है देखो नोभव क्या सब पार्सल हो जाए, क्या उस लैंग्वेज में लिखा है, मतलब इसका जो नया लैंग्वेज है गाइस इस लैंग्वेज का गाइस मतलब यही है न्यू कैरेक्टर, और हयातो इलाइट हयातो एंड प्लस जे, ठीक है। देखते हैं ऐसे क्या होता है गाइस सच में ऋतिक रोशन को देता है या फिर नहीं देता है। एंड उसके बारे में गाइस और जो इसका स्किल एबिलिटी कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं आया, जब कन्फर्मेशन आएगा मैं आपको पूरी डिटेल्स का वीडियो बता दूंगा। एंड और एक बात गाइस ये वाला जो सच हो भी सकता है, क्यों गाइस आप लोगों को पता होगा डीजे आलोक, ठीक है, वो जो गाइस म्यूजिशियन है डीजे आलोक का भी फ्री फायर के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। एंड गाइस आप लोग जानते हो तब से तबाही चल रहा है डीजे आलोक को लेके गाइस फ्री फायर में, सब लोगों को डीजे आलोक का चाहिए तो चाहिए। एंड यहाँ पर शायद हो भी सकता है इंडिया से कोई एक बड़ा स्टार मतलब ऋतिक रोशन सर आ सकते हैं फ्री फायर का कोलैबोरेशन शायद से हुआ हो, ठीक है।
अगर गैस ये वाला सच में अगर कोलैबोरेशन हो गया, ऋतिक सर आ गए, ठीक है, आप लोग जानते हो गैस, तबाही मच जाएगा। तो लोग आलोक को छोड़ कर इसको भांगेंगे अगर इसका कैरेक्टर का एबिलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और गैस अगर ये वाला कैरेक्टर आ गया, इसका एबिलिटी बहुत ही तगड़ा होने वाला है, जैसे आलोक का है उससे भी तगड़ा शायद से हो सकता है, ठीक है। तो गैस देखते हैं गैस अभी क्या होगा, और गैस आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में जरूर से कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये वाला, ठीक है। एंड गैस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गैस प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, और गैस शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि गैस आप लोग जानते हो ज़्यादा इंप्रेशन यूट्यूब आपके भाई को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता। बट आप लोग ये अभी देखो गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्त को, जितना हो सके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादातर देखना, ठीक है। तो गाइस चल बस यही था आज के वीडियो में, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार शेयर कर दो। तो गाइस बस यही था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।